तो इस वीडियो में विलहेल्म स्टेनिट्स की एक चेस गेम देखेंगे। ये गेम 1862 में लंदन में खेली गई थी। तो गेम पर आते हैं। तो ब्लैक पीसीस के साथ विलहेल्म स्टेनिट्स है और व्हाइट पीसीस के साथ अननोन प्लेयर है। तो व्हाइट ने शुरुआत की e4 से और स्टेनिट्स ने रिप्लाई दिया e5 से। नाइट f3, नाइट c6, बिशॉप c4, बिशॉप c5, गाइको पियानो गेम। b4 इवांस गैम्बिट, बिशॉप टेक्स b4, इवांस गैम्बिट एक्सेप्टेड। c3, बिशॉप c5 और व्हाइट ने किंग साइड कैसलिंग किया। d6, d4, e टेक्स d4, c टेक्स d4, बिशॉप b6, नाइट c3, बिशॉप g4। और अभी आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मूव में नाइट टेक्स d4 आ सकता है, क्योंकि ये नाइट पिन है। तो व्हाइट ने कंटिन्यू किया d5 करके, नाइट e5 और नाइट पर प्रेशर है, लेकिन व्हाइट ने पहले h3 मूव किया, लेकिन ये गलती है। तो स्टेनिट्ज ने अपने बिशॉप को ना बचाकर h5 मूव किया और अपने बिशॉप को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन व्हाइट यहाँ से इस बिशॉप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कि नेक्स्ट मूव में h टेक्स g4 आ जाएगा और फिर नाइट पर प्रेशर होगा। और व्हाइट यहाँ से अपने नाइट को मूव करके नाइट टेक्स नाइट करता है तो फिर चेकमेट को प्रिवेंट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये पॉन बिशॉप की वजह से पिन है। और व्हाइट यहाँ से अपने नाइट को ना हटाकर बिशॉप से चेक देता है तो c6 और d टेक्स c6 के बाद b टेक्स c6 और फिर इस बिशॉप को बचाने जाता है तो नाइट टेक्स नाइट चेक और ये स्क्वेयर्स रुक से कवर है। यहाँ से इस नाइट को कैप्चर करने जाता है तो फिर क्वीन h4 मूव आ जाएगा और आप देख सकते होंगे कि चेकमेट को प्रिवेंट नहीं किया जा सकेगा। और व्हाइट यहाँ से बिशॉप टेक्स c6 चेक देता है तो किंग f8 और क्वीन टेक्स d6 चेक के बाद नाइट यहाँ पर बीच में आ जाएगा और फिर व्हाइट अपनी क्वीन को यहाँ पर लाता है बीच में, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये f2 पॉन पिन है। तो क्वीन टेक्स क्वीन और सीधा चेकमेट। तो यहाँ पर व्हाइट ने पहले बिशॉप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया और पहले बिशॉप e2 मूव किया। तो स्टेनिट्ज ने बिशॉप टेक्स नाइट करके अपने बिशॉप के बदले में नाइट को एक्सचेंज करवाया, जी टेक्स बिशॉप, क्वीन h4। और अभी आप देख सकते हैं कि किंग यहाँ पर थोड़ा वीक हो चुका है और नेक्स्ट मूव में क्वीन टेक्स h3 की थ्रेट है। तो व्हाइट ने पहले अपने किंग को h2 पर मूव किया, नाइट f6 और अभी आप देख सकते हैं कि कहाँ पर प्रेशर है, क्योंकि ये पॉन पिन है। तो इसी वजह से व्हाइट ने पहले अपने रुक को g1 पर मूव किया। तो स्टेनिट्ज ने अपने अटैक को जारी रखा, बिशॉप टेक्स f2 और अभी रुक पर प्रेशर है तो व्हाइट ने रुक g2 मूव किया, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। तो स्टेनिट्ज ने नाइट g4 चेक दिया और इस मूव के बाद व्हाइट ने रिजाइन ही कर दिया। रिजाइन की वजह ये है कि ये पॉन पिन है तो ये पॉन तो नाइट को कैप्चर कर ही नहीं सकता। और व्हाइट यहाँ से अपने रुक से इस नाइट को कैप्चर करने जाता है तो नेक्स्ट मूव में नाइट टेक्स रुक चेक और अभी आप देख सकते हैं कि पॉन अगर इस नाइट को कैप्चर करता है तो क्वीन g3 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और क्वीन टेक्स h3 चेकमेट ही आ जाता, क्योंकि ये g1 स्क्वायर बिशॉप से कवर है और बाकी के स्क्वायर क्वीन से कवर है। और व्हाइट यहाँ से इस पॉन से इस नाइट को कैप्चर करता है तो नेक्स्ट मूव में क्वीन टेक्स h3 और क्वीन सेक्रीफाइस, और आप देख सकते हैं कि फोर्सफुली इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि सभी स्क्वायर्स कवर है। और जैसे ही व्हाइट इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है तो नेक्स्ट मूव में h टेक्स g4 और चेकमेट। आप देख सकते हो कि ये पॉन नाइट से सपोर्टेड है और किंग के पास जाने के लिए कोई स्क्वायर है ही नहीं और ये एच फाइल रुक से कवर है। और व्हाइट अपने किंग को भी मूव करता है तो चेकमेट आ ही जाएगा क्योंकि फोर्सफुली इस रुक को बीच में लाना पड़ेगा और फिर चेकमेट को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से नाइट g4 चेक के बाद व्हाइट ने रिजाइन ही कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए।